फिल्मों का पुलिस अफसर इफ्तिखार, इनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। बहुत सारी फिल्मों में, बहुत सारी क्या, ज़्यादातर फिल्मों में इनके रोल पुलिस अफसर के रहा करते थे। दोस्तों, इन्होंने अपने जीवन में किस तरह से सफलता को प्राप्त किया और किस तरह से अपने करियर को बनाया और फिर अंत में एक दिन इनकी हो जाती है बहुत ही दर्दनाक मौत। आखिर क्या हुआ था और किस तरह से इनकी मौत हुई थी, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं जो फिल्मी दुनिया में पुलिस अफसर के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम है इफ्तिखार। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में पुलिस वाले के रोल में मशहूर हुआ करते थे यह किसी जमाने में, और 50, 60, 70 का जो दशक था यह दौर इफ्तिखार का माना जाता है। रोल ऐसे करते थे जैसे मानो असली में वो पुलिस वाले हों, और बिल्कुल जब उनके रोल को देखा करते थे लोग तो लोगों को भी लगने लगता था कि शायद ये कहीं असली के ही पुलिस वाले तो नहीं है। इस तरह से अपने रोल में, अपने अभिनय में उतर जाया करते थे। जंजीर का पुलिस कमिश्नर सिंह हो या फिर डॉन का डीएसपी डिसलवा हो, दोस्तों इन दोनों ही रोल को इस तरह से उन्होंने निभाया था कि आज तक पूरे बॉलीवुड में इनके जैसा पुलिस वाला कहीं भी देखने को नहीं मिला है, क्योंकि इनके रोल में दमदारी थी और दमदार भूमिकाएं इन्होंने निभाई थी। क्या आपको पता है, ये जो आपके बेजोड़ एक्टर थे, ये पहले एक्टिंग नहीं करना चाहते थे, यह अपने जीवन में सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन दोस्तों तकदीर ने इनको एक्टर बना दिया था। 1920 में जालंधर में पैदा हुए इफ्तिखार तो अमीर खानदान में पैदा हुए थे। इनको ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं थी कहीं नौकरी करने की या फिर कोई एक्टर बनने की, लेकिन दोस्तों इनका पूरा नाम यहाँ पर बचपन में सैयदाना इफ्तिखार अहमद शरीफ था, लेकिन बॉलीवुड में वो इफ्तिखार के नाम से ही फेमस हुए थे, यह आप लोगों को भी पता होगा। इफ्तिखार के नाम से लोग उन्हें ज़्यादातर जाना करते थे, यह उनका शॉर्ट नाम यहाँ पर बन गया था। उनके पिता जो थे वे कानपुर में नौकरी किया करते थे, तो एक्टर का बचपन कानपुर में ज़्यादातर बीता था, कानपुर में ही बड़े हुए थे, वहीं पर ज़्यादातर इनका बचपन गुजरा है। इनको गाने का शौक था और केएल सहगल के वो दीवाने थे, केएल सहगल को ज़्यादातर रेडियो पर सुना करते, उनके रिकॉर्ड्स लाकर घर पर सुना करते थे, उनके बहुत बड़े दीवाने थे दोस्तों। इसलिए उन्होंने उन्हीं की तरह बनने की सोची और उन्होंने घर छोड़ दिया और कलकत्ता आ जाते हैं। और कलकत्ता आने के बाद वह उस ज़माने की मशहूर कंपनी जिसका नाम होता है HMV में जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, और दोस्तों जब वह वहाँ पर अपना गाना सुनाते हैं तो वहाँ के गायक कमल दास गुप्ता जी उनकी आवाज़ के दीवाने हो जाते हैं, उनकी आवाज़ को सुनकर हैरान रह जाते हैं। अब क्या होता है, कंपनी ने उनको अपने पास रख लिया, अपने साथ जोड़ लिया, और फिर बतौर गायक उनकी प्राइवेट एल्बम भी रिलीज़ की जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कमल दास गुप्ता जी थे उनको इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती थी, और इसी से प्रभावित होकर उन्होंने इफ्तिखार को गायक के रूप में नहीं अभिनेता के रूप में काम दे दिया था, और अब यहीं से इनका फिल्मी कैरियर शुरू हो गया था। अब दोस्तों एक के बाद एक फिल्मों में इनके, शुरुआत में तो छोटे छोटे रोल रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनके रोल एक से एक दमदार फिल्मों में आने लगे थे। तकरार जो कि 1944 में फिल्म आई थी, उस फिल्म से इन्होंने अपने करियर की नींव रखी थी, यानी कि वह फिल्म इनके जीवन की पहली फिल्म थी। इफ्तिखार जब मुंबई आए तो कुछ फिल्मों में साइड रोल करने के बाद, अब क्या होता है दोस्तों, उनके हाथ 1969 में फिल्म इत्तफाक लग जाती है और उस फिल्म से इनकी ज़िंदगी बदल जाती है। पहली बार इस फिल्म में ये पुलिस अफसर के किरदार में नज़र आए थे, और उसके बाद तो दोस्तों डायरेक्टरों को वर्दी में वो इतने जमने लगे कि इसके बाद तो वो बॉलीवुड के सुपर कॉफ बन गए थे। एक के बाद एक उनको पुलिस ऑफिसर के रोल फिल्मों में मिलने लगे थे। इतने बेमिसाल अभिनेता की मौत बड़ी दर्दनाक होती है दोस्तों। इनकी मौत के पीछे का भी एक बहुत छोटा सा रीज़न था, लेकिन उसी रीज़न की वजह से ये इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इतने बेमिसाल एक्टर, जब इफ्तिखार कलकत्ता में थे तो उस समय उनकी बिल्डिंग में रहने वाली यहूदी लड़की जिसका नाम होता है हना जोजफ, उनसे उनको प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे के प्रेम जाल में पड़ जाते हैं, और फिर क्या होता है दोस्तों, दोनों ने शादी भी कर ली होती है अपने घर वालों की मर्जी से, और बाद में हना जोजफ ने अपना नाम बदलकर रेहाना रख लिया था।
और दोस्तों रिहाना रखने के बाद अब यह दोनों अपनी गृहस्थी को अच्छे से चलाने लगे थे। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, कोई परेशानी इनको नहीं थी। इनको दो बेटियां होती हैं, दो बेटियों को यह जन्म देते हैं। एक बेटी का नाम सलमा और दूसरी बेटी का नाम होता है सईदा। अब 1990 की बात है, जब अभिनेता इफ्तिखार का कैरियर पीक पर था, यानी कि जोरों शोरों पर था, तभी क्या होता है, अचानक उनकी बेटी सईदा को कैंसर हो जाता है और वह कैंसर की बीमारी से घिर जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर जो इफ्तिखार होते हैं अपनी बेटी का इलाज खूब जोरों शोरों से करवाते हैं, लेकिन कोई उनकी बेटी को इलाज में फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन बेटी दर्द से तड़पती रहती है और हालात उसकी ज़्यादा दिन पर दिन खराब होती चली जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर 5 साल तक उनकी बेटी को तड़पता हुआ देखते रहे थे इफ्तिखार, और बेटी के दर्द को देखकर वो तकिए में मुंह छुपा छुपा कर रोया करते थे। यानी कि अपनी बेटी के जाने का उनको बहुत गम था, दर्द था बेटी के तड़पने का। 5 सालों में बेटी की चिंता झेलते झेलते दर्द और तनाव की वजह से वो बीमार पड़ने लगे थे, वो भी पूरी तरह से बीमार पड़ गए थे, और 1995 में उनकी बेटी की मौत हो जाती है। अब इफ्तिखार भी सदमे में चले गए थे और 6 दिन बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, इतना झटका उनको अपनी बेटी की मौत का लगा था। अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद उनका ट्रीटमेंट करवाया जाता है, लेकिन वहाँ कोई इलाज असर नहीं कर रहा था उनके ऊपर, और 23 फरवरी को उनको लकवा हो जाता है, यानी कि पैरालिसिस वो हो जाते हैं। और बेटी की मौत के 1 महीने बाद, यानी कि 4 मार्च 1995 को, वह उनकी याद में तड़पते तड़पते उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि बेटी की मौत का इतना बड़ा सदमा लगा था कि उस सदमे को वह झेल नहीं पाए थे और फिर खुद भी बीमार हो जाते हैं और खुद की भी यहाँ पर मौत हो जाती है। तो दोस्तों इनके जीवन की कहानी इस तरह की थी, इन्होंने खूब अपने जीवन में कामयाबी हासिल की, बड़े परिवार से थे, कोई कसर नहीं थी, कमी नहीं थी परिवार में, लेकिन फिर भी ये गायक बनना चाहते थे और अंततः इनकी किस्मत ने इनको एक्टर बना दिया, और एक्टर भी इतना बेमिसाल बने थे कि हर फिल्म में इनको डायरेक्टर पुलिस वाले के रोल में लेने के लिए तरसते रहा करते थे, क्योंकि लोगों का मानना उस दौर में ये था कि यह जब पुलिस की वर्दी में आया करते थे तो कुछ लोग इनको सचमुच का पुलिस वाला समझते थे जो फिल्मों को उस समय देखा करते थे, क्योंकि लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं था उस समय, लोग रियल समझा करते थे हर एक चीज़ को। तो यहाँ पर इन्होंने अपने स्वर्णिम जीवन को इस तरह से गुजारा और अंत में अपनी बेटी की चिंता में यह अपने प्राण त्याग देते हैं। दोस्तों आपको इस बेजोड़ एक्टर की कौन सी फिल्म और कौन सा रोल अच्छा लगा था, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी वीडियोज में यहाँ पर बनाकर लेकर आता हूँ जो कि फिल्मी दुनिया से होती हैं या किसी कलाकार के ऊपर या किसी फिल्मी किस्से के ऊपर, इसी तरह की वीडियोज मैं अपने चैनल फिल्मी कहानियाँ पर लेकर आता हूँ। दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियोज को आगे तक जरूर बढ़ाइएगा, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे और हमें आगे काम करने का हौसला मिलेगा। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा, तब तक जय हिंद, जय भारत।